बल्हार सरकार ने अपने हाथों से गुनूजी गद्दार की गर्दन काटने का फैसला कर लिया। द्वारका बाई आगे क्या करने वाली है? गुनूजी अब कौन सी नई चाल चलकर खुद को बचाने वाला है, ये हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रानी अहिल्याबाई की सही और नई अपडेट वक्त पर मिल जाए। टुकु जी मल्हार सरकार को बताते हैं कि जो गुप्तचर रानी अहल्या ने भेजे थे, इनके सूचना के अनुसार खंडे राव की सारी खुफिया जानकारी देने वाला सूरजमल को घर का ही भेदी था, और वह भेदी कोई और नहीं गुनूजी है। वहां दरबार में बैठे सभी लोग टुकु जी को हैरान होकर देखने लगते हैं। द्वारका बाई के तो पैरों तले जमीन खिसक गई और सर पर आसमान टूट पड़ा। ये बात सुनकर मल्हार सरकार भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वो अपनी तलवार निकाल लेते हैं और मुखिया कक्ष से जागने लगते हैं कि अब ये तलवार गुरुजी की गर्दन काट कर ही म्यान में जाएगी। द्वारकाबाई खुद को बचाने के लिए चिंतित हो गई और अब अपनी बेटी का घर उजड़ते देखकर भी नहीं रहा जा रहा। एपिसोड बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। हम आपको साथ साथ लेटेस्ट अपडेट देते रहेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि रानी अहिल्याबाई की सही और नई अपडेट आपको वक्त पर मिल जाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।